आज पड़ताल हो रही है। बहराइच से बड़ी खबर आपको बता दें, आदमखोर भेड़ियों की दहशत बरकरार है। खूंखार भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज है। वन विभाग की टीम को भेड़ियों की 5 मान मिली है। भेड़ियों की निगरानी के लिए स्नैप कैमरे लगाए गए हैं। लोगों को हमलों से बचाने के लिए शेल्टर होम बनाए गए हैं। वही बस्ती में भी लोगों के बीच भेड़िए की दहशत है। तो बहराइच से बड़ी खबर, खूंखार भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार कोशिश जारी। बहराइच से हमारे साथ अक्षय और बस्ती से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। अक्षय का रुख करते हैं। अक्षय, 5 बात मिली, सवाल यही कि कब तक बाकी जो भेड़िए हैं वो पकड़े जाएंगे? बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल है राहुल आपका। लगातार तमाम कवायदे चल रही हैं वन विभाग और प्रशासन की, लेकिन ये जो भेड़िए हैं, जो 2 भेड़िए बचे हुए हैं, ये अभी तक वन विभाग की जो तमाम टीमें हैं उनके हत्थे नहीं चल पा रहे हैं। तमाम कोशिशें चल रही हैं, तमाम स्नैप कैमरे, ड्रोन कैमरे, पिंजरे और तमाम लोकेशन तलाशी जा रही है। रात रात भर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तमाम तरीके की कवायदे हैं, लेकिन इन भेड़ियों को नहीं पकड़ा जा सका है। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते 2 सितंबर के बाद से इस भेड़िए का जो हमला किसी इंसान पर है उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। तमाम तरीके की अफवाहें आती हैं, कभी कभी लोग कुत्ते के काटने पर भी या अन्य किसी जानवर के काटने पर भी सियार का हमला बताते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो 2 सितंबर के बाद से कोई भी भेड़िए का हमला इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। राहुल, आपको एक और चीज बता दूं, ये कल बड़ी सफलता जो हाथ लगी है वन विभाग को, ये जो वन विभाग ने जो भेड़ियों की मांदे थी, ये 5 से 7 मांदे हैं जो सिकंदरपुर इलाके में मिली हैं। यहाँ पर भी स्नैप कैमरे लगाए हैं कि ताकि भेड़िए इस इलाके में या अपनी मांद तक आए जाएं तो इनकी मूवमेंट का पता किया जा सके, जिससे इनको पकड़ा जा सके। 18 शूटर इलाके में तैनात हैं, जिसमें 8 शूटर वन विभाग के हैं, बाकी 10 शूटर अन्य विभागों से बुलाए गए हैं। लेकिन कई बार इन भेड़ियों की लोकेशन ट्रेस होती है, इनको ड्रोन कैमरे में कैद किया जाता है, लेकिन इनके पिंजरे में या शूटर्स के निशाने पे ये भेड़िए अभी तक आने से बचे रहे हैं। राहुल, जाहिर तौर पर हालांकि कई कोशिश की जा रही है लेकिन हर कोशिश नाकाम, तो ऐसे में क्या कुछ अब अलग रणनीति के तहत वन विभाग, जिला प्रशासन काम कर रहा है? देखिए, अब रणनीति भेड़िए को पकड़ने की तो इनकी कवायद जारी है, साथ साथ ये लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि घरों के दरवाजे बंद रखे, बाहर ना निकले, देर रात जो पहरेदार हैं या जो तमाम बड़े लोग हैं बच्चों को छोड़कर वो बाहर गश्त करें, अपने घर पे लाठी डंडे से लैस रहें और दरवाजों को पूरी तरह बंद रखें। तो देखिए, भेड़ियों को जो पकड़ने की रणनीति है उसमें तो कोई खास बदलाव नहीं नजर आ रहा राहुल। हालांकि अब वन विभाग और प्रशासन लोगों को जागरूक करने में जुटा हुआ है, जैसे कि अभी इसीलिए शेल्टर होम बनाया जा रहे हैं। शैलेंद्र हमारे साथ है बस्ती से। शैलेंद्र, यहां भी भेड़िए का आतंक, क्या कुछ खबर, क्योंकि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है? बता दें कि ये बस्ती जिले के मेढ़ुआ ढेवा गांव का मामला है, जहां बीती रात कुछ ग्रामीण कहीं से वापस आ रहे थे और रास्ते में भेड़ियों के जैसे जानवर दिखाई दिए, तो उनका वीडियो बनाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल होते ही जो जिला प्रशासन है वो हरकत में आया और पुलिस विभाग द्वारा वहां PRB की एक टीम जो है वो तैनात कर दी गई और सुबह होते ही वन विभाग द्वारा लगातार ग्रामीणों की मदद से गन्ने हुए या जो भी झाड़ियां गांव के अगल बगल थी वहां सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। लगातार ढूंढने के बाद भी जब भेड़िए नहीं मिले तो वन विभाग द्वारा बताया गया कि जो वीडियो में दिख रहा है वह सियार जानवर है जो हमला भेड़ियों जैसा हमला नहीं करता है। हालांकि ग्रामीणों को यह निर्देश दिया गया वन विभाग द्वारा कि लोग चौकन्ना रहे, अगर किसी भी वारदात को ये जानवर अंजाम देते हैं तो तत्काल वन विभाग को सूचना दिया जाए और वन विभाग उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी। हालांकि सुबह से फिर दोबारा वन विभाग द्वारा जगह जगह तलाश की जा रही है, अभी भी किसी के हताहत होने की या किसी के ऊपर हमले की कोई खबर नहीं है। जी धन्यवाद आप दोनों का जानकारी के लिए। तो